हेलो दोस्तों, अगर आपके भी प्ले स्टोर में यही प्रॉब्लम आ रहा है, रिसेंट डेटा फ्रॉम स्माइलर डिवाइस शो देयर दिस ऐप मे स्टॉप वर्किंग ऑन योर डिवाइस। दोस्तों अगर आपके भी प्ले स्टोर में यही प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस मसले को आपने ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपने करना यह है कि यार वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल डिटेल से समझा सकूं कि यार आपने इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों बहुत सारी जबरदस्त चीजें आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार हमें सपोर्ट करो। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर कह रहा हूं, आपने जाना है सेटिंग के अंदर। तो दोस्तों मैं सेटिंग के अंदर जाता हूं, ठीक है। यहां मैं अपनी सेटिंग ओपन कर लेता हूं, ठीक है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहां आपने ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहां देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ऐप लिस्ट, और थोड़ा सा लोडिंग हो रहा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों तो यहां आपने सर्च में क्या लिखना है, प्ले स्टोर। तो मैं यहां लिख लेता हूं प्ले, मैंने पीएल लिखा तो शॉर्ट फॉर्म में आई है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे आपने जाना है, ठीक है। इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहां आपने जाना क्लियर कैचा, क्लियर डेटा आपने करना है, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद क्या करना है, आपने सिंपली प्ले स्टोर में दोबारा जाना है और दोबारा आपने चेक करना है कि यार आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों अगर फिर भी नहीं होती तो फिर आपने क्या करना है, परमिशन पे क्लिक करना है, ठीक है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद आपने जो है क्या करना है, इन सारी चीजों को जो है अलाउ कर देना, ठीक है। जिसको आपने अलाउ नहीं किया होगा उसको आपने जो है अलाउ कर देना, ठीक है। मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। और इन ये दो चीजें करने के बाद दोस्तों अगर फिर भी नहीं होता है, ठीक है, फिर आपने चेक कर लेना परमिशन देने के बाद भी हो गया कि नहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो दोस्तों अगर फिर भी नहीं होता दोस्तों फिर आपने क्या करना है, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि आपने जो ना प्ले स्टोर में दोबारा जाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां मैं प्ले स्टोर में आ चुका हूं, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी स्टोरेज चेक कर लेनी है कि यार आपके पास स्टोरेज कितनी है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास स्टोरेज कम होगी तो उसकी वजह से भी आपको जो ना ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने अभी आपको बताया था कि आपने स्टोरेज कैसे चेक करनी है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अपनी जो आईडी है यहाँ आप ऊपर फ्रंट पे देख सकते हो, ठीक है, इस साइड में देख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने जो ना क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो ना स्टोरेज चेक करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, अपनी जो आईडी है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ आप देख सकते हो माय एप्स एंड गेम्स है, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो ना फिर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास जो ना 21 जीबी की जो ना स्टोरेज है, ठीक है, और टोटल स्टोरेज है। उसके बाद जो ना आप यहाँ देख सकते हो 18 जीबी जो ना यूज हो चुका है, और दोस्तों 18 जीबी यूज हो चुका है और 3 जीबी रह चुका है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ दोस्तों आपको एक जबरदस्त ऐसी चीज समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ प्ले स्टोर के सर्च बार पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ मैं आपको सर्च पे लेके चलता हूं पहले। तो दोस्तों यहाँ मैं सर्च पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोरेज की वजह से भी आती है। अब आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं जो ना एक गेम लॉफ्ट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। गेम लॉफ्ट ये भी बड़ी बड़ी गेम है, ठीक है, गेम लॉफ्ट। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, गेम लॉफ्ट। और उसके बाद जो ना यहाँ आप देख सकते हो कि ये कितनी जीबी की गेम है, 2.8 जीबी की गेम है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये 2.8 जीबी की गेम है। और अब आप यहां देख सकते हो कि यार मेरे पास जो ना वो एरर भी नहीं आ रहा है। तो अब जो ना वो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और वो जो मसला है, ठीक है, वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जो मसला था, ठीक है, वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो। अब आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आपने जो ना दोस्तों देख लेना। तो दोस्तों अब आप यहां देख सकते हो कि पहले मेरे पास पबजी पे भी आ रहा था और अब पबजी पर भी नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, पहले मेरे पास पबजी पर आ रहा था और अब जो ना पबजी पर भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो दोस्तों कि स्टोरेज की वजह से भी होता है। लेकिन आपको बता दूं, अगर स्टोरेज से आपने पहले कोशिश यही करना है कि सेटिंग में आपने जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद जो चीजें मैंने आपको बताई है आपने वो करना है। और दोस्तों स्टोरेज को भी आपने जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपने दोस्तों स्टोरेज को जो ना अपनी खाली करना है, ठीक है, इस अपनी जगह बनानी है, ठीक है। स्टोरेज को मतलब आपने खाली करना है अपनी स्टोरेज को,
मतलब अगर आपके पास 2 GB है या 1.5 GB है तो फिर आपने उसको और खाली करना है। ठीक है दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर फिर भी नहीं होती तो दोस्तों आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को एक दफा ऑफ करना है और फिर ऑन करना है और दोस्तों फिर आपने देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह जो ना आपकी प्रॉब्लम जो ना सॉल्व हो जाएगी, ठीक है 100%। दोस्तों अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो यार मुझे कमेंट कर देना, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 100%। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरा हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।